शर्म मोए कहने में आती, अरे शर्म मोए कहने में आती, और तुम पे मांगे मांग मंगाए लो मेरा बतवाती। ये कहा एरा बता हाथी मंगवाओ, भगवान चक्कर में पड़ गए, जो हाथी को क्या करे वो तो तोरा बोला। अरे हमें हाथी पे बैठियो यार, लेके देव समाज हमारे पीछे दी आइयो, ये कहा हाथी पर बैठा रहो मोए, देव समाज को लेके प्रभु तुम मेरे पीछे पीछे चलो। आज भगवान वचनबद्ध हो गए, ऐरावत हाथी मंगवाया, अपने भक्त को गोद में लेकर के हाथी पर चढ़ाया। धोरब आगे आगे भगवान देव समाज को लेकर के पीछे पीछे चल रहे हैं, और जैसे ही अयोध्या के गेट पर पहुंचे तब कई दुर्भ ने प्रभु अब ऐसो कर लो, मोजा हाथी पे तो ताल लो नीचे, और जा हाथी बारे से कहो सबन लेके चलो जाए, लेकिन प्रभु तुम नहीं जाओगे। क्यों? अरे नाए मेरी मौसी मानेगी, जाने न तपस्या करी बात मेरी झूठी जानेगी, ये कहा अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो मेरी मौसी बात पर यकीन नहीं करेगी। भगवान को लेकर के सबसे पहले मौसी की चौखट पे पहुंचा, आवाज लगाई, मौसी देख संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा है। मौसी शर्मिंदा है गई, तो रब ने कही मौसी मन छोटो मत करिए अपनो, ये सब तेरी देन है, बाद ना कड़ुए शब्द ना बोलती तो मैं निकल के नहीं जाता, और निकल के नहीं जाता तो संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा नहीं होता, सब तेरी देन है। तब तक एक दासी ने आकर के कह दिया, मौसी को दर्शन दे दिया लेकिन मैया की दशा नहीं देखी। मैया की दशा क्या थी? जब धर्म पहुंचा कारावास में, अरे धर्म की गति न भाई मंदी, आयो नहीं राजकुमार मात भाई रोई रोई की अंधी, मैया रो रो करके नेत्रहीन हो चुकी थी। धोरब ने जाकर के मैया के पैर छुए और हाथ जोड़ करके कहा, मां देख ले ये है संसार का पिता। तब कई सुनीति ने बेटा, अरे लला मेरे है गई बेजान है, निकट है मेरो हाथ जमाई लला कोई की खतू का छुनाई है, मेरे लाल कहां है संसार का पिता उसके ऊपर हाथ रखते।
सब दुरब ने कही रोई के अरे मैया तू मेरे गम में इतनी रोई के आंखें खो बैठी। दुरब आगे बढ़ गया और अरे हाथ जानी नैनन पे तारो जब लो राम को नाम आएगा फिर सी उदियारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया के नेत्र जैसे के तैसे हो गए, तब कहीं देख ले मैया ये है संसार का पिता, कैसा तेजवान बेटा था। अब भगवान पीछे खड़े कह रहे लला तू कह दे तो मैं जाऊं दुर्वन की जाओ। भगवान बोले तेने मांगो तो इना कछु। दुर्वन की अब का चाहिए, मैंने दर्शन कर ले, मौसी ने मैया ने दर्शन कर ले, अब जाओ जो। भगवान बोले रेन देवे कर, तेने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मांग जो तू मांगेगा हम वही देंगे। द्रौपदी की मुख सुनाई चाहिए। भगवान बोले हमसे कहते हैं देवता, जो देता है उसे देवता कहते हैं और जो लेता है उसे नेता कहते हैं। और माफ करना भैया, कोई यहां नेतागिरी करने वाले बैठे हो नेता, तो वैसे हर नेता एक जैसे नहीं है, नेता के रूप में भी देवता पड़े हैं। लेकिन ज्यादातर नेता हैं कैसे आज के जमाने में, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, छोटे बड़े नेता सब दौड़ रहे हैं, उनसे नेक कह दियो नेताजी क्या बताऊं, बड़ी परेशानी हमारे गांव में पानी की है? पानी की हाँ, और दो चार गली बाकी रह गई। तो नेताजी ने कही अपे पीएस डायरी ला निकाल के डायरी नोट करो, क्या कहा तुमने, तीन चार गलियां रह गई, खरंजा नहीं आरसी बिछवा दी जाएगी, और आरसी कम पर है तो आरसीसी, और सुनो पानी की टंकी लगवा दी जाएंगी, समट डलवा दी जाएंगी, समर पे समर बटवाई जा रही है, टंकी लगवा दी जाएंगी, लाइन बिछवा दी जाएगी। और नेताजी जब इलेक्शन जीत जाए तो उनके कार्यालय पे मिलवे जाइयो, और अबे जब वोट मांगवे आता तो जिम्माले में पता नहीं कितनी पुरानी पहचान है, पैन में गिता आता है पैन में। और जब नेताजी इलेक्शन जीत जाए तब उनके कार्यालय पे जाना मिलने के लिए, पहली बात तो जो बॉडीगार्ड ना ही मिलेंगे गेट पे, वे भीतर ना घुसन दे, और काउ तरीका से तुम भीतर घुस गए तो नेताजी की भाषा चेंज, कौन है आप, कोई गेट पर नहीं मिला, तुम्हें अंदर किसने आने दिया, जाने कहां कहां से चले आते हैं। जो कुछ कहे वो चाहते हैं ऐसा भूल गए, नेताजी ने फटका रही ऐसी रही। और ऐसी बात नहीं है, नेता के रूप में बहुत तेरे देवता आज भी पड़े हैं जो जनता की सुनते हैं। भगवान बोले अगर तू मांगना नहीं चाहता तो अपनी तरफ से मैं वो दे करके जाऊंगा तुझे जो संसार में कोई प्राप्त नहीं कर पाया। बोले अरे तो लबी सुडू नहीं उच्चारो परम धाम को जाई बने को या पर को तारो बोलिए गोविंद भगवान के। ये कहा जब परम धाम को प्रस्थान करेगा, ध्रुव तारा के नाम से विख्यात होगा, धीरे 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 ध्रुव ने 36,000 बरस तक राजगति को भोगा।